हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है तो प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें डिफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं और इसको क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से अपन समझ सकते हैं, इसको अपन इसको चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको मेथड बताता हूं। देखिए, पहले एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक कॉपर रोड ABCD ऑफ 800 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है इसका। तो पूरी लेंथ इसने 7.5 मीटर दी हुई है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 800 mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और कैसे उसमें क्या क्या चीज आपको कैसे ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है वो अपन समझ लेते हैं। फिर यहाँ पे बी पोर्शन पे 30 kN का लोड दिया हुआ है, यहाँ 20 kN का दिया हुआ है और यहाँ पे 50 kN का दिया हुआ है और ये इनकी लेंथ दी हुई है। तो अपने को पता है डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है PL/AE, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि पूरी रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही है तो ए कॉमन आ गया, ठीक है। इसके अलावा फाइंड द टोटल एलोंगेशन ऑफ बार, डेल्टा एल अपने को निकालना है और ई की वैल्यू दी हुई है 100 GPa। तो इसके अंदर ए और ई तो हो गया कॉमन, अब आपको क्या वैल्यू चाहिएगी, पी की और एल की। तो पी और एल की इन तीनों, क्योंकि लेंथ अलग अलग है इसमें, तो L1, L2, L3 हो गया और तीनों में लोड अलग अलग आएगा, तो P1 और L1 की अपने को इससे वैल्यू निकालनी है। और इसका सबसे इजी सिस्टम आपको ध्यान होना चाहिए कि आप क्वेश्चन करते हैं तो दो चीज तो आपको इसी क्वेश्चन के अंदर दो आंसर, तो आपको दो लोड की तो आप वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। कैसे, 40 kN P1 दिया हुआ है, ठीक है, और P3 आया गया 50 kN। ये दो तो आपको समझ लो ये आपके आ गए, P1 और P3 की वैल्यू आ गई है। P2 कैसे निकालना है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम अपन जब करेंगे तो तीनों P1, P2, P3 की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए P1 आ गया 40 kN और P3 आ गया 50 kN। अब आपको P2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो वो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको समझाता हूँ, उससे आपको इजीली इस सवाल को आप कर सकते हैं। और सुपरपोजिशन के और भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और भी होंगे न्यूमेरिकल्स, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर तीन पार्ट है, AB, BC और CD, तो ये सबको ध्यान होना चाहिए, तीन इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन AB, BC और CD, तो इसके हिसाब से अपन तीन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए, अपने देखा तीन सेक्शन थे AB, BC और CD, इनके तीन के फ्री बॉडी डायग्राम अपन बना रहे हैं। अपन AB सेक्शन लेते हैं, बाकी क्या आप भूल जाइए। देखिए, सबसे पहले अब A पे लग रहा है 40 kN का लोड, टेंसाइल लोड लग रहा है, तो अपन इस सेक्शन पे जो AB फ्री बॉडी डायग्राम है इसके अंदर सबसे पहले अपन लोड लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे 40 kN का लोड लग रहा है, ठीक है। अब इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी आपको 40 kN का लोड लगाना पड़ेगा, तो इस सेक्शन पे भी आपको 40 kN का लोड लगेगा। अब इसकी लेंथ कितनी दी हुई आपके, 3.5 मीटर लेंथ हो गई आपकी, 3.5 मीटर। तो आप देखिए लेंथ आ गई अपने पास, तो L1 आ गया और P1 क्या आ गया, 40 kN आ गया। तो इसमें आपको सीधा सीधा इसमें आपको लोड की वैल्यू पता चल गई है। अब सेकंड सेक्शन अपन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये B सेक्शन है और यहाँ पे AB अपन सेक्शन लिया था, अब ये ले रहा है BC सेक्शन। तो B के अंदर आपको 40 kN का लोड ऑलरेडी पहले लग रहा था, देखिए 40 kN लोड इस डायरेक्शन लग रहा था, तो इक्विलिब्रियम रखने के लिए इसमें इस डायरेक्शन में भी 40 kN का लोड लगेगा। तो अब इसको अपन सेक्शन लेते हैं BC, तो BC सेक्शन में क्या होगा, 40 kN ये इस तरफ लोड लग रहा था, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में BC पे ये वाला लोड लगेगा, बी सेक्शन पे 40 kN का। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी पोर्शन पे 30 kN का लोड लग रहा है इस साइड में, ठीक है, डायरेक्शन यही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये भी अपन इसमें लगा देंगे लोड, तो यहां आ जाएगा आपके, ये इसकी भी डायरेक्शन यही है,
ये आ जाएगा आपका 30 किलो न्यूटन का लोड। अब टोटल लोड कितना हो, देखिए ये इसकी डायरेक्शन भी इधर है और इसकी भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों क्या हो गए ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया 70 किलो न्यूटन। अब ये 70 किलो न्यूटन हो गया, तो इक्विलिब्रियम रखने के लिए क्या होगा, इधर भी 70 किलो न्यूटन का लोड लगना चाहिए, तो इधर क्या होगा आपके, ये आ जाएगा आपका 70 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए 30 + 40 70 किलो न्यूटन हो गया, इधर भी 70 किलो न्यूटन हो गया, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई अपने को 70 किलो न्यूटन, और L2 की वैल्यू अपने को गिवन है, L2 कितना है 1.5 मीटर हो गया। तो अब अपने को देखिए P1 की वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू। अब अपन चलते हैं थर्ड CD, इसके फ्री बॉडी का डायग्राम अपन देखते हैं CD का। अब देखिए सी सेक्शन पे अपना 70 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, अब अपन CD का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो सी सेक्शन देखिए 70 किलो न्यूटन का लोड किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम रखने के लिए इसमें किधर लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपके 70 किलो न्यूटन का इस डायरेक्शन में लोड लग गया। अब देखिए इस सी पे और कोई लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन, किस डायरेक्शन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस दिशा में, तो अब यहाँ पे क्या होगा 20 किलो न्यूटन का ये डायरेक्शन। अब देखिए ये है इस दिशा में और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो यहाँ 70 हो गया ये 20 हो गया, तो 70 में 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 50 किलो न्यूटन का इस दिशा में, इस डायरेक्शन 50 किलो न्यूटन है, तो इक्विलिब्रियम रखने के लिए इस डायरेक्शन में भी 50 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके ये 50 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए अब आपको एक आपका क्वेश्चन सही हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन आया, 70 माइनस 20 कितना आया 50 किलो न्यूटन, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, तो आगे आपके यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, यहाँ इसका मतलब आपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है, लोड का जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है, तो ये P1 ऑलरेडी यहाँ 40 किलो न्यूटन, तो P1 40 किलो न्यूटन आ गया, और P3 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन आ गया, और यहाँ पे P2 कितना आ गया आपका 70 किलो न्यूटन। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम से आप इजीली जो है लोड की कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जो है अपन फॉर्मूले में रखेंगे तो और इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने सीधी सी डिफॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले अपने क्या क्या अपने को अपना फाइंड कर लिया, देखिए P1 की वैल्यू निकाली अपने, P1 हो गया आपके 40 किलो न्यूटन, L1 हो गया आपके 3.5 मीटर, P2 की वैल्यू क्या आ गई आपके 70 किलो न्यूटन, L2 आ गया आपके 1.5 मीटर, P3 कितना आ गया 50 किलो न्यूटन, और L3 कितना है 2.5 मीटर। इसके अलावा देखिए A दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है 800 mm स्क्वायर, और E दिया हुआ 100 GPa, इनकी भी वैल्यू रखते हैं, A दिया हुआ आपका 800 mm स्क्वायर और E दिया हुआ है 100 GPa, यानी हो गया आपका 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 GPa बराबर 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो देखिए अब पहले यूनिट इक्वल कर दीजिए, यहाँ किलो न्यूटन में लोड है, ये भी किलो न्यूटन में, ओके mm स्क्वायर में एरिया है, mm स्क्वायर में ये है, ठीक है, लेकिन लेंथ क्या दी हुई है मीटर में दी हुई है, तो लेंथ को आपको क्या करें mm में चेंज कर दो उसको आप, तो ये mm में चेंज करेंगे क्या हो जाएगी 3500 mm, ये हो जाएगी 1500 mm, और ये हो जाएगी आपके 2500 mm। अब आपको P1 की वैल्यू आ गई, L1 आ गया, A आ गया, E आ गया, अब डेल्टा L का फॉर्मूला क्या होता है आपके, डेल्टा L हो जाता है PL/AE, तो 1/AE, AE कॉमन हो गया, और PL की जगह क्या हो जाएगा P1L1 + P2L2 + P3L3। अब इसके अंदर अपन इनकी वैल्यू पुट कर देंगे,
तो डेल्टा एल हो जाएगा आपके ये हो गया 800, ई हो गया 100, पी वन कितना आ गया 40 इंटू एल वन कितना है आपका एल वन 3500, तो एल वन हो गया आपके 3500 प्लस पी टू कितना हो गया 70, एल टू कितना हो गया 1500 प्लस पी थ्री हो गया 50 इंटू 2500। कैलकुलेट करेंगे अपन तो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी आपके 4.6 mm। इसको आप चेक कर लीजिए एक बार, तो डेल्टा एलोंगे इसके अंदर एलोंगे कितना आ गया 4.6 mm का एलोंगेशन आ गया। तो ये इस तरह से आप केवल आपको फ्री बॉडी डायग्राम आपको सिंपल वे में समझना है कि फ्री बॉडी डायग्राम की वैल्यू आने के बाद सीधी वैल्यू पुट करने और सिंपल कैलकुलेशन है, इससे अपन डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।